नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप देख रहे हैं एमटेक हिंदी। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है फेसबुक के ऊपर। अगर आप एक फेसबुक यूजर हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम जब भी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, यानी कि भरनी होती है, और आप इनमें से अपने मोबाइल नंबर को भी ऐड कर देते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अननोन नंबर से उनको कॉल जाते रहते हैं और उन लोगों को पता नहीं होता कि फेसबुक में से अपना मोबाइल नंबर जो है कैसे हटाना है या फिर उसको हाइड करना है, और उनकी वजह से उनको काफी सारी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपना मोबाइल नंबर जो है कैसे उसको डिलीट करते हैं या फिर उसको हाइड करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक कर अहम रखते हैं 100 लाइक्स। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे, और चैनल पर नए आ चुके तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल से करके दिखाने वाला हूं। तो आपके मोबाइल में जो फेसबुक अकाउंट है वो यहां से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर ऊपर की साइड 3 डॉट मेन्यू दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करना है, और नीचे की साइड आपको यहां पर सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पर जो मेन्यू दिखाई दे रहा है, अगर आपको जाना है सबसे ऊपर का ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेज लोड हो रहा है, और आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। तो इनमें से आपको यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा फोन नंबर का, तो सिंपली आप उस पर टैप कर दीजिए, और टैप करते ही आपके सामने यहाँ पर पेज खुल जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले ही आपको यहाँ पर ऊपर ही एक रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको टैप करके आप अपने मोबाइल नंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको रिमूव के बटन पर क्लिक कर देना है, और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन शो करेगा, जहाँ पर आपको अपने फेसबुक पासवर्ड जो है एक बार फिर से ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करना है कि आपको यहाँ पर रिमूव फोन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब दोस्तों जिन लोगों को फेसबुक अकाउंट से अपने मोबाइल नंबर को हटाना नहीं है और सिंपली उसको हाइड करना है, तो चलिए उस स्टेप को भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, जिनकी मदद से आप उस मोबाइल नंबर को हाइड कर पाएंगे। तो चलिए बैक आ जाते हैं, और सबसे पहले अपने होम पेज पर आपको आ जाना है, और होम पेज पे आने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट मेन्यू में आना है, और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की साइड, तो सिंपली आप अबाउट पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके सामने आपको एक ताला दिख रहा है, यानी कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हाइड किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन मिल जाएगा, पब्लिक, फ्रेंड या फिर ओनली मी। तो अगर आप पब्लिक करते हैं तो सबको ये मोबाइल नंबर जो दिख जाएगा, और अगर आप फ्रेंड पर रखते हैं तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये नंबर दिख जाएगा, और अगर आप ओनली मी पर रखते हैं तो आपके अलावा ये नंबर कोई नहीं देख पाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए, और फिर बैक आ जाइए, और बस हो गया आपका काम। अब आपके अलावा आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर कोई नहीं देख पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आ चुके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसे ही नई वीडियोस आप देख पाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।